हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा फेसबुक का पासवर्ड कैसे रिसेट किया जाता है। अगर आपका जो भी अकाउंट है उसका पासवर्ड आप भूल गए हो, आप दूसरा किसी मोबाइल पे लॉगिन करना चाहते हो लेकिन आपको इसका पासवर्ड नहीं पता, बस आपके मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन है, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे रिसेट करना है। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को प्रोफाइल के आइकॉन पे आ जाना है। नया अपडेट की वजह से ये जो आइकॉन है और 3 डॉट है यहाँ पे नीचे आ गया, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आपके इसमें वो ऊपर आता है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, अगर नीचे आता है तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, ओनली सेटिंग्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेटा सेंटर, मेटा सेंटर में सेकेंड नंबर पे है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे ऑफिस से वही इंटरफेस आ गया। तो आप लोग क्या करना है, अकाउंट सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन है सेंस पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में आपका यहाँ पे फेसबुक शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को साइट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को करंट पासवर्ड देना है, देने को बोलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि आप किस तरीके से अपना जो फेसबुक का पासवर्ड है वो आप रिसेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है व्हाट्सएप, तो आप लोगों को जो कोड बाय SMS यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में क्या करना है, अभी अभी आप लोग जो मैसेज OTP भेजा गया है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेस्ट हो गया। अभी क्या करना है, एक नया पासवर्ड बना लेना है, जो भी पासवर्ड बनाओगे उसको आपको अच्छे से याद रखना है और स्ट्रॉन्ग बना देना है, ठीक है। तो मैं एक नया पासवर्ड बना देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को लॉग आउट यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है।